नमस्कार दोस्तों, और बताओ कैसे हो आप सब, और कैसा रहा आपका आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम? आई होप काफी अच्छा रहा होगा। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताना कि आपके कौन से शिफ्ट में पेपर था और आपने कितने अटेम्प्ट किए, सेक्शनल अटेम्प्ट और ओवर अटेम्प्ट, ये सारे चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा भी आज पेपर था 5 अक्टूबर को, 4 शिफ्ट में, जिसका सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। एक एक चीज को मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। पजल्स के 2-3 आंसर्स भी लिख कर आया हूँ जिसको आपको मिलाना है, ठीक है? तो चलो चलते हैं आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जुड़ सकते हो। काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनको मैं गाइड करता रहता हूँ कि बैंक एग्जाम को कैसे क्लियर करना है। तो चलो चलते हैं एग्जाम एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंग्लिश का सेक्शन से, जो काफी इजी था। इजी तो नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है तो इसलिए मुझे थोड़ी इजी लगी, लेकिन इजी टू मॉडरेट साइड में था। 5 क्वेश्चन थे एरर के, बहुत इजी क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 मुझे याद है। एक था कैन के साथ बिल्ड्स दिया हुआ था, ठीक है, CAN कैन के साथ बिल्ड्स था, वहां पे एरर था और वहां पे आंसर जो है वो ऑप्शन ए होता, बिल्ड, ठीक है, बिल्ड्स की जगह बिल्ड होता, ऑप्शन ए। एक था मोर और लेस करके एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें देन चाहिए था और दिया हुआ था विथ, वहां पे एक एरर था। उसके बाद वर्ड स्वैपिंग के 5 क्वेश्चन थे जो कि काफी इजी थे, देखते के साथ वो बन रहा था। उसके बाद वर्ड यूसेज से थे 3 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन था राइट, WRIT ऊपर बोर्ड में दिया हुआ था और नीचे 3 सेंटेंस दिए हुए थे, कहां पे उसका सही से यूज है वो बताना था। तो मेरा जो है ओनली ए आया था जो कि सही होगा, राइट का। एक था नॉट, KNOT, नॉट, तो नॉट का जो आंसर था सेंटेंस ए और बी करेक्ट था, क्योंकि फर्स्ट में टाई को नॉट करना था, सेकंड में नॉट बिटवीन रिलेशन था, और थर्ड में NOT का सेंस आ रहा था, इसलिए थर्ड वाला गलत होगा। जिसने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद एक था फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद रीअरेंजमेंट पैराजम्बल जिसको बोलते हैं, उसके ओल्ड पैटर्न के 5 क्वेश्चन थे। लास्ट में टाइम बचाने इसलिए जल्दी जल्दी बनाया, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने क्या आंसर किया, याद नहीं एक्चुअली। उसके बाद एक क्वेश्चन था न्यू वाले रीअरेंजमेंट से, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 7 से 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन था साइनो एंटो का, एक था समैरली, ठीक है, एक था प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का ऑपोजिट वर्ड बताना था, तो इसका आंसर अनफ्रूटफुल होगा। मैंने अनफ्रूटफुल लगा के फिर दूसरा चीज लगा दिया, गलत कर दिया, लेकिन इसका आंसर अनफ्रूटफुल होगा। एक था टच्ड ऑन, इसका सिनोनिम बताना था आपको, तो इसका मैंने कवर्ड लगाया है, आपने क्या लगाया ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये रहा इंग्लिश का सेक्शन, मैंने 24 अटेम्प्ट किए इंग्लिश में। इसके बाद चलते हैं रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग तो मानो ऐसा था कि सिर्फ पजल ही पजल था, 5 से 6 पजल पूछे गए थे, एक एक करके मैं बताता हूँ। एक पजल था 9 पर्सन थे और 9 फ्लोर में रहते थे, ठीक है, उसका आंसर मैं लिख कर लाया हूं आपके लिए, आप ये आंसर मिलाना। ये देखो, ये आपको आंसर दिख रहा है प्रॉपर, फर्स्ट में जे, फिर बी, देन ए, सी, एफ, एन, उसके बाद जी और डी, ठीक है, जे बी ए सी एफ एच जी डी, ये 9 पर्सन 9 फ्लोर वाला के आंसर है। एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाला पजल था, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन थे। टोटल पर्सन जो था वो मेरा 15 आया, आपका कितना है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन बताना। इसके भी आंसर्स आप देख सकते हैं, ये मैं लिख कर लाया हूं। सबसे लेफ्ट साइड में था एक्स और सबसे राइट में कुछ नहीं था, तो ये आप देख सकते हैं, ये अरेंजमेंट है, आप मिला लेना इससे, ठीक है। उसके बाद एक पजल था 10 पर्सन थे और 5 डेट 2 डेट दिया हुआ था, ठीक है, यानी कि 10 पर्सन 2 डेट और 5 मंथ, 5 तारीख और 14 तारीख का डेट था। मंथ जो था वो था फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं सही बता रहा हूं या नहीं। उसके बाद एक तो ये 3 पजल मैंने बनाया था, 9 पर्सन 9 फ्लोर वाले पजल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाले पजल और ये 10 पर्सन 2 डेट, ये 3 पजल मैंने बनाया था, बाकी पजल मैंने स्किप कर दिया, टाइम नहीं मिला। एक पजल था 5 पर्सन, उसके साथ वेरिएबल थे, यानी कि 5 लोग अरेंज करना था और उसके साथ 5 वेरिएबल भी था, ठीक है, यानी कि 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन था पैरेलल वाला, 4 नॉर्थ में बैठे हुए थे, 4 साउथ में और 8 वेरिएबल था, मतलब 4 नॉर्थ में 4 साउथ में 8 लोग थे और 8 लोगों को कुछ ना कुछ पसंद था, तो ये भी 2 वेरिएबल वाला पजल था। उसके बाद चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन थे और इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, ठीक है, इसको एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन बनाया गया था, थोड़ा ट्विस्टेड था। और वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था इस तरह से कि 2nd, 5th, 7th और 9th वर्ड में 2 ऐड कर किया जाए और 3rd और 8th में 3 को अगर माइनस किया जाए तो कौन सा जो नंबर नॉट रिपीटेड है उसका सम कितना होगा, आंसर 17 था, ये मुझे सब्सक्राइबर ने बताया, मैंने इसको बनाया नहीं था। मेरे जो टोटल अटेम्प्ट रीजनिंग में रहे हैं वो है 21, काफी खराब गया रीजनिंग मेरा पेपर, हालांकि उतना अच्छा गया नहीं, प्रैक्टिस की कमी थी या जो बोली, जॉब के बाद टाइम नहीं मिलती है, लेकिन जो भी है, ठीक है, मैंने रिव्यू आपको दे दिया, ठीक है, और है बचाव अभी। क्वांट पे चलते हैं। क्वांट में 2 DI पूछी गई थी और 1 केसलेट था। 2 DI ऐसे थे, 1 DI क्या था कि बुक ए और बुक बी, 2 बुक थी जो कि 2015-16-17 पब्लिश हो रही थी और सोल्ड हो रही थी, ठीक है, उसका डेटा दिया हुआ था, थोड़ा मॉडरेट लेवल का DI था, पता नहीं मैंने डेटा में क्या मिस कर दिया कि मेरे से ये बना ही नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन के बने बस। उसके बाद एक पजल था बार ग्राफ वाला, जिसमें 2 बार ग्राफ दिया हुआ था, XYZ 3 पर्सन थे और तीनों जो है गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे थे। X का 2012-16 का डेटा था, Y का भी 2012-16 का और Z का भी 2012-16 का डेटा था। इसमें एक आंसर मुझे याद है 11:9 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद 5 क्वेश्चन थे, प्रॉपर बहुत इजी क्वेश्चन थे,
पांच क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक का और 8 to 10 क्वेश्चन थे एरिथमेटिक के, और एक केसलेट जो था उसमें बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, 11:19, और टोटल बॉय और गर्ल 300 दिए हुए। देखने में छोटा लग रहा था लेकिन बहुत मतलब ट्रिकी टाइप से वर्डिंग दी हुई थी जिसमें मैं फंस गया और मेरा खराब चला गया पॉइंट। तो मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, मैं आपको टोटल अटेम्प्ट बता दूं। इंग्लिश में मैंने किया 24 सॉरी, रीजनिंग में मैंने किया 21 और क्वांट में 19। इस तरह से मेरे टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए, 64 अटेम्प्ट मैंने टोटल किया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आपने भी इस शिफ्ट में पेपर दिया है तो आप जो बताना कि कितना अटेम्प्ट आपने किया। एक और चीज छूट गया, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, तीन क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन का, ठीक है, उसमें मेरा एक आंसर आया था ब्रदर इन लॉ, एक आया वाइफ और एक डॉटर इन लॉ आया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपका सेम आंसर था या कुछ अलग था, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं कल 16th का पेपर जब खत्म हो जाएगा तो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत